तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो ये स्टडी ये करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारी टोटल एनर्जी कितनी होती है। पहले ये देखेंगे, उसका एक छोटा सा ग्राफ है, बड़ा फेमस सा ग्राफ, उसको भी स्टडी करेंगे। फिर पेंडुलम और स्प्रिंग कैसे SHM करते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दो तीन बातें करनी हैं जो कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो देखते हैं एनर्जी इन SHM। जो एनर्जी अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर है, SHM कर रही है, तो कितनी एनर्जी होल्ड करेगी वो। ठीक है, यहां पर मैंने जो इक्वेशन ली है वो NCERT के हिसाब से ही ले ली है, जैसे मिसमैच ना हो। हम लोगों ने एक्स के टर्म में लेते हैं तो क्या लेते हैं, ए कॉस ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की बात कर रहा हूं SHM की। और अगर वाई के टर्म में लेते हैं तो क्या लेते हैं, जो हम लोग लेके चल रहे थे, ए साइन ओमेगा टी। अच्छा, दूसरी बात, हमने इनिशियल फेज नहीं लिया है। अगर आप इनिशियल फेज लेते हैं, जैसा बुक में लिया, हमने सिंपल करने के लिए फाई को हटा लिया है, अगर आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए कॉस ओमेगा टी, और अगर इनिशियल फेज है तो प्लस फाई भी आ जाएगा। तो इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं, या फर्क नहीं है, केवल इतना ही फर्क है कि इसके पास इनिशियल फेज है, शुरुआत इसकी जीरो से ना होके, मतलब जहां से इसकी शुरुआत हुई है उससे डिफर कर गई फाई एंगल से, है ना। तो आप NCERT में अगर ये देखें कि यहां पर इक्वेशन लिखी है वेलोसिटी की है, यहां पर जो इक्वेशन आ गई है वो प्लस फाइव करके, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या वो बता रहे हैं, फाइव एडिशन में होगा, हमने उसको निकाल दिया है, नहीं भी निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझाने में आसानी रहेगी। तो चलिए काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी SHM के अंदर होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हमें पहले से मालूम है। वेलोसिटी की जो इक्वेशन आती है SHM में वो ये आती है, अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो dx अपॉन dt, तो कॉस का माइनस माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी पढ़ भी रखा है, इसको यहां पर वी की जगह आप पुट कर दीजिए, जब स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी मिल गई हमको, किसकी, जो बॉडी जो पार्टिकल SHM कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आप जानते हैं जब कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर कोई पार्टिकल मूव करता है तो स्प्रिंग में वैल्यू देखी थी हाफ के एक्स स्क्वायर होती थी उसकी एनर्जी, और फोर्स होता था एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर ये हाफ के एक्स स्क्वायर बनी तो हम क्या करते हैं, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है, एक बॉडी जो SHM कर रही है उसके पास दो टाइप की एनर्जी हो गई, एक काइनेटिक पोटेंशियल, तो टोटल कितनी होगी जोड़ दो, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई, टोटल एनर्जी ये वैल्यू हो गई के प्लस यू, तो इसको ऐड किया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, यहां पर अगर थोड़ी वैल्यू आप और रखना चाहें तो हमें मालूम है के की वैल्यू कितनी हुआ करती थी, व्हाट इज के, एम एल बाई ए, के की बात कर रही है, फोर्स कांस्टेंट जो था वो किसके बराबर था, एम ओमेगा स्क्वायर के। के की वैल्यू के इंट्रोड्यूस किया था ना हम लोगों ने, लिखाया भी आपको, देखिए के एम ओमेगा स्क्वायर लास्ट टाइम पे पढ़ाया आपको हमने, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर के क्या है हमारा, व्हाट इज के हियर, एम ओमेगा स्क्वायर, ये के था हमारा। ठीक, अब इसकी वैल्यू यहां पे इंट्रोड्यूस कर दीजिए, या इसकी वैल्यू यहां इंट्रोड्यूस कर दीजिए, अगर यहां इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, एफ एम ओमेगा स्क्वायर की जगह आ गया के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, ये कहां से पुट किया, यहां से पुट किया, व्हाट इज के, फोर्स कांस्टेंट किसके बराबर, एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब देखिए इसको ऐड करने जब हम लोग गए तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब इन दोनों में आपने क्या किया, हाफ के ए स्क्वायर
ये दोनों वैल्यू कॉमन ले ली, कॉमन ली तो क्या मिला, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू थी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, हाफ के ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी जो एस एच एम में होती है वो होती है हाफ के ए स्क्वायर, ये वैल्यू होती है, ठीक है। और अगर के की वैल्यू आप पुट कर दें तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि के की वैल्यू किसके बराबर है, एम ओमेगा के बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अंडर एस एच एम, ठीक। अब इसका ये जो टोटल एनर्जी है तो फिक्स हो गई एम्पलीट्यूड के हिसाब से, और एक एम्पलीट्यूड बना रखा है हम लोगों ने, लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में बदलती रहती हैं, कहीं काइनेटिक ज़्यादा होती है कहीं पोटेंशियल ज़्यादा होती, इस तरह का बदलाव होता रहता है ना। तो वो बदलाव को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। आप स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग का भी दिमाग में रख सकते हुए हम देखेंगे कि जब वो मीन पोजीशन पे होगा, खींच के छोड़ा, तो जब वो मीन पोजीशन पे ब्लॉक आएगा तो उस समय काइनेटिक ज़्यादा होगी या पोटेंशियल जी, पोटेंशियल ज़्यादा नहीं होगी, काइनेटिक ज़्यादा होगी, सबसे वेलोसिटी फास्ट होगी। ये देखिए, ये अभी हम इसकी बात करेंगे, स्प्रिंग की हम बता रहे हैं, फिर भी ये मान लो मीन पोजीशन था, दिस इज द मीन पोजीशन जहां ये रहना चाहता है, आपने खींचा और खींच के छोड़ दिया, आपने खींचा और खींच के छोड़ दिया, इतना डिस्प्लेसमेंट कर दिया आपने, जब इतना छोड़ा तो इधर जाएगा, अगली बार क्या आएगा, अगली बार ये इनर्शिया की वजह से यहां तक चला आएगा, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, तो जब पूरा खींचा रहेगा इस समय तो यहां पर इसकी पी मैक्सिमम होगी, के ई मिनिमम, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, रुका है ना। जब ये यहां मीन पे वापस पहुंचेगा तो मीन पे उस समय क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, काइनेटिक मैक्सिमम और काइनेटिक मैक्स, इस समय क्या होगा, फिर से यही सिचुएशन आएगी, काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अब इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए, देखिए तो ग्राफ बनाने में एनर्जी का फ्लक्चुएशंस कैसा दिखा सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम मिनिमम के फॉर्म में अगर हम दिखाएं, ये एनर्जी बनाई ऐसे, और इधर जीरो से ई तक की टोटल एनर्जी बनाई, दिस इज एनर्जी, और इसके टाइम पीरियड के हिसाब से इसको डिजाइन किया हम लोगों ने। तो टाइम पीरियड कितना लिया, एक लिया टी बाई फोर, फिर इसके बाद आ जाएगा टी बाई टू, फिर एक आ जाएगा थ्री टी बाई फोर, और फिर एक आ जाएगा टी, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो आपकी काइनेटिक होगी वो टी बाई फोर पर, यानी ये आप टी बाई फोर यहां पहुंचे हैं ना, यहां आप टी बाई फोर पे आपने ऐसे ऑक्सीलेट करके छोड़ा तो टी बाई फोर यहां पहुंचे, आप खींच के छोड़ा ना आपने टी बाई फोर, तो टी बाई फोर पे ऑक्सीलेशन अगर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी आपको मैक्सिमम, इस फॉर्मूले के हिसाब से भी देख सकते हैं, ये काइनेटिक का फॉर्मूला, ये अगर मीन पोजीशन पे एनर्जी उसकी जीरो कैसे होगी, वो तो मोशन में है, वो तो तब जीरो होती जब रुका होता, अगर यहां पर एनर्जी जीरो हो जाएगी मीन में तो एनर्जी बदल तो रही नहीं, तो उसके पास तो हमेशा एनर्जी जीरो रहेगी, मीन पोजीशन पे तब जीरो होगी जब वो रुक जाए, यार रुकता कहां है, इनर्शिया आ चुका है उसके अंदर, इनर्शिया की वजह से आगे चला जाता है वो। अगर आप कहते हैं कि मीन पोजीशन पे एनर्जी जीरो होनी चाहिए तब तो वो रुक जाएगा वहां पे, तो एनर्जी जीरो नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक मैक्सिमम है। अब देखिए यहां की बात करते हैं, अगर हम लोगों ने लिया टी बाई फोर, तो टी बाई फोर हमने वैल्यू डाली इसके अंदर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, तो जब इसके अंदर वैल्यू डाली हम लोगों ने तो क्या आंसर मिलेगा, काइनेटिक मैक्सिमम, कैसे,
ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/T, ठीक है, और ओमेगा टी की क्या हो जाएगी 2π/T × T/4। ये टी कटा, ये टी कटा, 2 से 2 कटा, ये वैल्यू कितनी आ गई π/2। साइन π/2 वैल्यू 1 होती जो मैक्सिमम होती, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम हो गई तो इसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी आई, 1/2 kA², तो काइनेटिक विल बी मैक्सिमम हियर ये, और अगले पल इधर जाएगी, जब अगले में नीचे फिर ऐसे ऑक्सीलेट करेगी ये 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 ये, किसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने मोशन स्टार्ट किया है, ये मोशन जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये इक्वेशन दिखा रहा है। ये कहां से स्टार्ट है, हमने यहां खींचा और फिर छोड़ा, यहां से स्टार्ट हुआ है। अगर जीरो से स्टार्ट कराना होता तो हम y = a साइन ओमेगा टी पकड़ते। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। पेंडुलम है तो पेंडुलम का मोशन कैसे स्टार्ट किया, यहीं से नहीं शुरू किया हमने, पहले इसको यहां से यहां तक खींचा, यहां अब यहां से स्टार्ट किया, अब ये शुरू हुआ ऐसे हिलना। तो जब यहां से स्टार्ट किया तो T/4 कहां हुआ है, यहां आया T/4 आया ना, तो उस समय T/4 जब बीच में पहुंचा तो काइनेटिक मैक्सिमम और पोटेंशियल मिनिमम। फिर जब T/4 के बाद T/2 तक गया, फिर क्या हुआ इसी, जीरो, वेरी गुड। अब T/2 पे जब हम जाएंगे पूरे पे, तो उस समय पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, काइनेटिक विल बी जीरो, और यहां पर ऐसे ही ये बना किसका रिजल्ट, आपका पोटेंशियल एनर्जी का, दिस इज पी। पी में हम निशान लगा देते हैं जिससे आप समझ पाए, दिस इज पी, 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 जिस पे एरो नहीं लगा है वो काइनेटिक। ये बात समझ में आई, तो ये इस तरीके का कर्व आपको मिलता है, ठीक है। और इसका एक छोटा कर्व और, ये तो एक ऑक्सीलेशन में ऐसे बदलाव हुए इसके अंदर टी तक्के में। अब इसका ये कर्व भी बड़ा फेमस है जो आप जान लीजिए, जान क्या लीजिए, इसी का टुकड़ा निकाल लेते हैं हम लोग, कि -a से +a के बीच में एम्पलीट्यूड की बात करें तो -a, ये टाइम पीरियड के हिसाब से, प्लस ए के हिसाब से टोटल एनर्जी तो कॉन्स्टेंट रहने वाली है, ये ऐसे एक कर्व बनेगा, और ये काइनेटिक एनर्जी वाला है लाइन, पोटेंशियल में लगाई थी ना, पोटेंशियल वाली ये पकड़ लो आप, दिस इज पोटेंशियल वाली एरो, पी लिख देते हैं पीई, और दिस इज केई, दिस इज केई। जब जब एम्पलीट्यूड पूरा पहुंचेगा तब काइनेटिक जीरो हो जाती है, और जब एम्पलीट्यूड जीरो होता है उस समय काइनेटिक मैक्सिमम होती है। तो एम्पलीट्यूड अगर यहां पे जीरो ले लिया तो उस समय काइनेटिक फुल है, पोटेंशियल मिनिमम है। एम्पलीट्यूड फुल आ गया -a या +a, उस समय काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल फुल। तो ये जो ग्राफ बना है एनर्जी का, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्पलीट्यूड है, ये ग्राफ है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम पीरियड। और फिजिकल मीनिंग क्या है, जो हमने बताने की कोशिश की आपको, कि यहां की स्टार्टिंग यहां से नहीं है, यहां से स्टार्टिंग है, खींच के छोड़ा है, तब ये क्वेश्चन लगेगी। आप समझ पा रहे हैं ना, यहां पे जब ऐसे इसको खींचा और यहां पे छोड़ा, यहां से स्टार्ट कराया हमने, यहां से स्टार्ट कराया, यहां से जब स्टार्ट कराएंगे तो पहला ऑक्सीलेशन कैसे करेगा, ऐसे पहुंचेगा यहां, तो इतने इतने टाइम में T/2 कवर कर जाएगा, T/4 कवर कर जाएगा ना, उस T/4 की बात की जा रही। और जब ये मीन पोजीशन में पहुंचेगा तो ये सोचना कि उसकी उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, उसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी, हमने कैलकुलेट किया है टोटल एनर्जी इतनी है, तो जाएगी कहाँ, केवल एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती हैं, पोटेंशियल काइनेटिक बदलती, काइनेटिक पोटेंशियल में बदलती है, एनर्जी खत्म तो नहीं हो सकती। तो जब ये मीन पे पहुंचेगा तो मीन पे एनर्जी खत्म नहीं हो सकती, एनर्जी तो होगी, इतनी ही होगी, इतनी ही होगी, हर जगह इतनी है, बस उसमें एक बार अगर टोटल एनर्जी 10 है तो एक बार पोटेंशियल 2 है वो 8 है, 2+8=10, एक बार 3 है एक बार 7 है
थ्री पोटेंशियल सेवन काइनेटिक, एक समय में फाइव फाइव भी होगी, फाइव पोटेंशियल फाइव काइनेटिक, फिर पोटेंशियल बढ़ के सिक्स हो जाएगी, काइनेटिक चार, पोटेंशियल बढ़ेगी, काइनेटिक घटेगी, फिर उसके बाद ये घटेगा वो बढ़ेगा, तो ऐसे चलता रहेगा, लेकिन जोड़ उनका सम वो हमेशा फिक्स रहेगा जो इसके बराबर होगा, हाफ के ए स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, SHM में टोटल एनर्जी कितनी होती है। तुम्हारी बात का जवाब मिला? हाँ चल, कि मीन पे एनर्जी जीरो नहीं होगी, इतनी ही होगी, दोनों काइनेटिक पोटेंशियल में कोई एक जीरो हो सकता है, जो होता भी है, मीन पर कौन सा जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो होती, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती, क्योंकि तो पोटेंशियल एनर्जी को कहते ही हो ना हाफ के एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स उस समय मीन पोजीशन से जीरो है और मीन से जीरो है तो एनर्जी भी जीरो है, पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, ठीक है ठीक। अब देखिए ये दूसरी बात ये देखनी है, जो दो कोर्स में एग्जांपल्स हैं आपके जिसके बारे में स्टडी करना है कि सिस्टम्स अंडर SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो दो सिस्टम पढ़ने, एक तो स्प्रिंग सिस्टम हमारे कोर्स में है और दूसरा पेंडुलम कोर्स में है, तो ये दोनों कैसे SHM करते हैं और क्या इनका टाइम पीरियड होता है ये हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए स्प्रिंग की बात करते हैं, पहला वाला स्प्रिंग है, स्प्रिंग की जैसे हमने बात की थी कि आप अगर एक स्प्रिंग की वैल्यू ये बनाते हैं, यहां पे स्प्रिंग की मीन पोजीशन है, आपने सेकंड केस में क्या किया, स्प्रिंग को खींचकर छोड़ दिया, तब क्या होगा, ये ऑक्सीलेट करेगा, ये स्ट्रेच हो चुका है इतना, ये आपने एक्स इसको डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, फिर छोड़ा है, जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये ऑक्सीलेशन करना शुरू कर देगा, ये इस तरफ से आया, फिर ये इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, बड़ा नॉर्मल एग्जांपल है, कई जगह यूज करते रहे, ठीक, ये कहानी इसके अंदर होती है, एक बार स्प्रिंग को ऐसे खींचा एक्स, छोड़ दिया तो ऐसे 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 से हिलता रहेगा ये, तो ये SHM में है, क्यों है SHM में ये देखेंगे हम लोग, क्योंकि SHM में होने के लिए हमारे पास दो रूल हैं, दो कंडीशन हैं, वो दो कंडीशन क्या है वर्षा, वो दो कंडीशन क्या है आंचल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, पहली कंडीशन टूवर्ड्स मीन पोजीशन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, अगर कोई बॉडी ऑक्सीलेट कर रही है या वाइब्रेट कर रही है उस समय उस पर लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा वैसे वैसे फोर्स ज्यादा, और वो फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड हो, तो अब हम बोलते हैं कि मोशन SHM है। ये एकदम बड़ी अच्छी तरीके से डिस्कशन संडे हुआ अपना, है ना। तो अब ये जो मोशन है इसमें देखने की कोशिश करते हैं हम लोग कि क्या ये दोनों बातें ठीक आती हैं, तो आंसर है आती हैं। क्यों? क्योंकि इस पे लगने वाला फोर्स कैसे निकालते हैं, अभी देखा है माइनस के एक्स, देखा कि नहीं देखा, आंसर है देखा, स्प्रिंग के क्या है, फोर्स कॉन्स्टेंट, तो y इज इक्वल f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो फोर्स x के प्रोपोर्शनल है, x ज्यादा करेंगे तो f ज्यादा होगा, आंसर है होगा, तो पहला कंडीशन फुलफिल, पकड़ में आई बात। सेकंड कंडीशन में माइनस साइन क्या बताता है, कि जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं x इस डायरेक्शन में तो फोर्स किधर लगता है, फोर्स का डायरेक्शन इसके अपोजिट रहता है, तभी तो छोड़ते हैं तो वापस जाता है, वरना क्यों जाएगा, हमने खींचा तो फोर्स किधर लगा, अपोजिट, और जब ये उल्टा इधर डिस्प्लेस किया माइनस एक्स इधर, तो फोर्स किधर लगा, फिर वापस उल्टा, इसका किधर है, दोनों तरफ मीन पोजीशन की तरफ, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, तो माइनस क्या साइन शो करता है, कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, मतलब हमेशा मीन पोजीशन की तरफ फोर्स है, तो सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई, दैट मीन्स दिस मोशन इज अंडर SHM, समझ में आई बात आयुष जी, तो ये SHM के अंदर है, अगर ये SHM के अंदर है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड का हम लोगों ने एक नॉर्मल प्रूफ बना रखा है,
कि कोई भी बॉडी SHM में होती है तो उसका टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकाला करते थे, टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये भी प्रूफ किया है लास्ट टर्न पे कि कोई भी SHM में बॉडी होगी तो इस तरीके से मोटा मोटा फॉर्मेट है उसके निकालने का, ठीक है। अब अगर ये फॉर्मेट है तो यहां पर कैसे वैल्यू हम फिट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन रख सकते हैं। देखिए तो यहां F की जगह हम लिख देते हैं क्या, M इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, और माइनस साइन केवल इस बताने को काम आता है कि किस डायरेक्शन में, तो उसको छोड़ दीजिए अभी। तो ये बना के एक्स। अब यहां से निकालो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए क्या आया, एम अपॉन के, ठीक लिखा है ना। हाँ, अब इसकी वैल्यू यहां डाल दो तो t इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई, गलत लिख गए, t इज इक्वल टू, देख लिया आपने, t इज इक्वल टू टू पाई, और ये वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, m अपॉन के। तो ये आपका टाइम पीरियड हो गया, किसका, स्प्रिंग जो अंडर SHM हो रही है। देखिए अब यहां से जो बात हमें समझ में आई ना, इस वाले को प्रूफ करके फॉर्मूले को, ये m जो है ना, m स्प्रिंग के लिए मास, ये मास किसकी तरह काम करता है, इनर्शिया की तरह, तो इसको हम लिख देते हैं इनर्शियल फैक्टर, इनर्शियल फैक्टर अपॉन व्हाट इज के, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस तरीके से भी इसको हम ध्यान रख सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर, तो ये वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए। तो एक स्प्रिंग के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के, ठीक है, ये स्प्रिंग के लिए। और कैसे हमने शो किया है SHM के अंदर है, ये बात जो लिखी है आप लिख के दिखा देंगे, ये हो गया SHM के अंदर मोशन। अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं पेंडुलम कैसे SHM करता है, पेंडुलम की कहानी, इसमें कोई सवाल हो आपका तो आंसर दिया जा सकता है। अब पेंडुलम अंडर SHM की बात हम लोग करते हैं, तो इसमें क्या देखते हैं कि हम लोग पेंडुलम को, ये स्ट्रिंग होती है, ये पेंडुलम हो गया आपके यहाँ, ये लैब, ये प्रैक्टिकल भी है आपके कोर्स में, रिजिड सपोर्ट मानते हैं जिससे हमने फिक्स किया होता है, रिजिड सपोर्ट मतलब कहीं से हिलने वाला नहीं वो, और जो स्ट्रिंग लगी होती, दिस इज द स्ट्रिंग, आप इसको कहना चाहिए, इस पॉइंट को कह दीजिए ए, इसको कह देते हैं हम लोग बी, और इसके सेंटर को कह देते हैं ओ, या सेंटर को सी कह दो, वो एक जैसा लग रहा है ना। तो ये जो स्ट्रिंग है ए बी, ये ए बी स्ट्रिंग होती है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब इसको कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा करेंगे ये वापस आने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि इसको कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, तो इतनी फ्लेक्सिबल है कि आप मोड़ेंगे भी तो सीधा नहीं होना चाहती हो। दूसरा इनएक्सटेंसिबल, रखने पे खिंचती नहीं है, इलांगेशन नहीं है कि लेंथ बढ़ जाए इसकी। दूसरा मासलेस, इसका खुद का मास कुछ नहीं है, ऐसी स्ट्रिंग मिल नहीं सकती, लेकिन सोची है हम लोगों ने, बिना मास की स्ट्रिंग कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कि हम लोग अपना वर्किंग कर पाए। अब ऐसी स्ट्रिंग में इस पेंडुलम को हमने लगाया, तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो इफेक्टिव लेंथ जो लेते हैं आप, वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या मानते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम, अगर ये ए बी को आपने एल लिया है और इसका रेडियस सी बी आर है, तो इफेक्टिव लेंथ हो जाती है एल प्लस आर। लेकिन अभी हम लोग आर को बहुत छोटा मान के इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना, आर इज वेरी वेरी लेस, इसलिए आर कंसीडर नहीं करेंगे। आप इसको बॉब बोलते हैं, बॉब, आप जब एग्जाम में आप प्रैक्टिकल करेंगे तो देखिए यहां पर क्या होगा, जब ये बॉब यहां पहुंचेगा, इस आर को कंसीडर नहीं करके एल की ही बात कर रहे हैं हम लोग, एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहां पर ये जो मास, इसका मास कितना है, एम, इस बॉब का मास, तो ये जो जब यहां पर पहुंचेगा, जब ये ऑक्सिलेट करेगा ऐसे, तो स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा टी,
ठीक है। मास जो होगा वो डाउनवर्ड लगता है हमेशा, ये आपको पहले से मालूम है, एम जी। ठीक, अब एम जी के दो कंपोनेंट बना लेते हैं हम लोग, कौन से दो कंपोनेंट? मान लीजिए इस समय ये एंगल थीटा है इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे थीटा है और इसको हम ऐसे आगे बढ़ा दें अगर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अगेन थीटा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल कैसे होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर से ये डाउनवर्ड वर्टिकल इन डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो इन वर्टिकल डायरेक्शन, बोथ द लाइन्स आर पैरेलल टू इच अदर। दिस लाइन ए ए डी, ए डी लाइन इज ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन्स, इसलिए ये एंगल बराबर होने वाला है। तो इसके दो कंपोनेंट की, एक इधर और एक इसके 90 डायरेक्शन में ऐसे, तो ये कंपोनेंट आया एम जी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट क्या आया एम जी साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा टी को बैलेंस कर देगा टेंशन को, तो इस वाले मोशन में यानी ऑक्सीलेशंस को कैरी कराने में कौन सा रिस्पॉन्सिबल फोर्स है? एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर मोशन फॉर ऑक्सीलेशंस, या अगर एस एच एम हो रहा होगा तो फॉर एस एच एम। ठीक है, अब इस फोर्स को हम लोग लेके चलते हैं, तो इस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं यहां पर? रीस्टोरिंग फोर्स। इधर कर लेते हैं, यही फोर्स हमारा क्या हो गया? रीस्टोरिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? एम जी साइन थीटा। अब देखिए ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना, इसको एम जी साइन थीटा ना कह के हम लोग क्या बोल देंगे? माइनस एम जी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको इधर ले जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में तो इधर लग रहा है, जब इसको इधर ले जाएंगे तो इधर लगेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया ना। इसे रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के चक्कर में था, माइनस करके आया था। समझ में आ रही है बात क्या बता रहे हैं? तो जो थीटा इधर बनाएंगे तो इधर, थीटा इधर बनाएंगे तो इधर, तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन हर जगह लिखते आए, तो माइनस एम जी साइन थीटा। एम से एम कैंसिल कर लिया, ए की वैल्यू क्या बनी? माइनस जी साइन थीटा। अब देखिए यहां पर, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो उस समय थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा, कई जगह करते हैं हम लोग। अब थीटा साइन थीटा के बराबर है तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जहां थीटा क्या है? रेडियंस के अंदर, जब रेडियन में मेजरमेंट हम लोग करते हैं एंगल का तो ऐसा लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क यहां पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, और रेडियस क्या है? दिस इज द लेंथ। तो आर्क को हम यहां मान लेते हैं कितना, इसको खसकाया है आपने एक्स, और रेडियस कितनी है? एल। तो थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। आई बात समझ में? अब इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे किसकी जगह? साइन थीटा की जगह, क्योंकि थीटा साइन थीटा बराबर है छोटी वैल्यूज के लिए। ठीक, तो साइन थीटा की जगह क्या आ गया? थीटा। और थीटा की जगह, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, उस समय ए इज इक्वल टू माइनस जी और ये आ गया एक्स अपॉन एल, है ना। अब देखिए ये जो वैल्यू बनी, इस वैल्यू में अगर हम यहां पर एम को कैंसिल ना करते, एक्सेलरेशन है नहीं, दो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा उसी डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एस एच एम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर एक्स बढ़ाने पर फोर्स बढ़ेगा, आंसर बढ़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन बढ़ेगा। इसका मतलब एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये एक्स लिखा हुआ है। सेकंड कंडीशन, एफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन। क्यों? ये माइनस साइन बता रहा है, जैसे भी ले जाएंगे मीन पोजीशन की तरफ रखता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये कैसा मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट मीन्स दिस पेंडुलम इज अंडर एस एच एम।
क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हमें रूल पता है टाइम पीरियड निकालने का, 2π डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला पता है। अब यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2π डिस्प्लेसमेंट, यहां से देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन निकालिए, इसकी बात कर रहे हैं। तो एक्स अपॉन एल निकालने की कोशिश, एक्स अपॉन ए निकालने की कोशिश की हमने, क्या रिजल्ट हाथ में मिला? एल अपॉन जी, ठीक है। माइनस साइन छोड़ देना क्योंकि माइनस क्या बता रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो एक्स अपॉन ए की वैल्यू यहां पुट कर दी, एल अपॉन जी, दिस इज एल अपॉन जी। तो ये हमारा टाइम पीरियड आ गया किसका? पेंडुलम का, 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये टाइम पीरियड है जब पेंडुलम अंडर SHM काम कर रहा है। किस तरह से आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं? अब आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर हम लोग इसमें जो बॉब है, अगर इस बॉब का मास m से हम लोग 2m कर दें तो मेगा इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा या कुछ और? पेंडुलम के मास को, ये बॉब है ना, बॉब का मास m था, इसको 2m कर दिया, डबल कर दिया, तो टाइम पीरियड पे क्या असर होने वाला है? क्यों विनायक? हाँ आचल, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारा टाइम पीरियड विल बी सेम, नो चेंज। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड में कहीं भी मास तो है ही नहीं। जब मास है ही नहीं तो मास आप डबल करें, ट्रिपल करें या फोर टाइम्स करें, देखने में ऐसा लगता है कि अरे भारी हो जाए, कुछ हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा, टाइम पीरियड विल बी द सेम, टाइम पीरियड विल नॉट चेंज। तो पहली बात कम्युनिकेट हुई, मास को बढ़ाने या घटाने पर, बढ़ाने या घटाने पर टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या है, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ऑफ मास, मास से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि हम जो इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं एक्स से, ये एक्स इतने की जगह यहां तक डिस्प्लेसमेंट ले आए, ज्यादा ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया। इफ डिस्प्लेसमेंट इज मोर, यानी एक्स इज मोर, तो क्या फर्क पड़ेगा? टीना बढ़ जाएगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस टी के अंदर एक्स नहीं है, है कि नहीं? बुद्धू हो एकदम, अभी बताया, फिर वही पकड़ ली बात, अभी बताया था कि इसमें नहीं दिख रहा है, तो देखे ही नहीं अपने मन से, जो मन में आ रहा है बोले जा रहे। तो इसके अंदर एक्स है क्या? नहीं है, एक्स नहीं है तो काहे फर्क पड़ेगा, आपने तो निकाला है तब अच्छा फॉर्मूला। तो इसका मतलब है इफ डिस्प्लेसमेंट इज मोर, जी मोर और लेस, तो टी विल नॉट चेंज, यानी टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको एक झटके में देखने से ऐसा लग सकता है, कुछ लोग बात भी कर रहे हैं पीछे, कि फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, अरे इसका रिजल्ट तो ये आ गया, इन दोनों का रेशियो बना हुआ है इसी फॉर्म में, ये बदला तो एक्सेलरेशन भी बदला, भाई इसका रेशियो देख रहे हैं ना, इसका रेशियो इसके बराबर है। तो हम ये नहीं कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, नहीं बदलेगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन एक्सेलरेशन भी बदलेगा। अच्छा, इसकी बात को थोड़ा और खोलते हैं समझाने के लिए। मान लीजिए हम वर्षा को ही पकड़ते हैं, हम लोग सामने दिख रही हैं, ये एलन हाउस स्कूल है, बहुत बड़ा सा बाजू में। मान लीजिए वर्षा को हम तक पहुंचना है,
हमने कहा वर्षा आओ जल्दी, वर्षा ने दौड़ लगाई, 2 मिनट के अंदर वर्षा एलन हाउस स्कूल से हमारे पास पहुंच गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा दिया, इनको तेलीबाग चौराहे भेज दिया। ठीक, हमने कहा आओ वर्षा, और वर्षा को 2 मिनट में ही पहुंचना है, तो क्या पहुंच सकती है कि नहीं? कह रही नहीं। क्यों नहीं पहुंच सकी? तेज दौड़ेंगी? अरे आकाश इनक्लेव समझ लो, बहुत दूरी लग रही है कि नहीं पहुंच पाएंगी, तो आकाश इनक्लेव पकड़ लेते हैं, वहां से दौड़ के 2 मिनट में आ गई। क्यों? अब पहले से खूब तेज दौड़ना पड़ा इनको, लेकिन समय नहीं चेंज किया, समय नहीं चेंज किया, समय नहीं चेंज हुआ, क्या बढ़ गया? दौड़ने की स्पीड। इसी तरीके से पेंडुलम में अगर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं तो एक्सेलेरेशन ज्यादा होता है, यहां पर बहुत तेजी से नीचे आता है, कम ले जाएंगे तो धीरे से नीचे आएगा, ऊपर चला देंगे तो बहुत तेज नीचे आएगा, जब तेज आएगा तो समय नहीं चेंज होगा। जैसे भी इनका एग्जाम्पल, एलन हाउस से यहां तक पहुंचने में भी 2 मिनट का समय, और आकाश इनक्लेव से भी यहां आने का 2 मिनट का समय, फर्क क्या? पहले दौड़ धीरी थी, अब दौड़ बहुत तेज है, लेकिन समय नहीं बदला। ऐसे ही इस पेंडुलम में फर्क नहीं पड़ा, बात समझ में आई? तो पेंडुलम में अगर डिस्प्लेसमेंट कर देंगे ज्यादा तो क्या चेंज होगा? टाइम पीरियड नहीं चेंज होगा, एक्सेलेरेशन चेंज होगा, तेजी से नीचे आएगा ये, लेकिन समय नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रेशियो एल अपॉन जी के बराबर है। जब तक एल और जी पक्के हैं, नहीं चेंज होने वाले हैं, तब तक इसमें टाइम पीरियड नहीं चेंज होता। और यही एक खास रीजन है कि हम लोग घड़ियां पेंडुलम की बनाते थे पहले, क्योंकि इन सब का असर नहीं था उसके ऊपर कि कितना डिस्प्लेस करा रहे हैं, बॉब कितना भारी या हल्का लगा रहे हैं, उसका असर ही नहीं है ना। तो घड़ी बनाना आसान था, क्योंकि एक बार सेट कर दिया तो बॉब हल्का या भारी है कोई फर्क नहीं है, कि नहीं? कितना दूर तक ले जाएंगे इससे भी कोई फर्क नहीं, तो फर्क किससे? लेंथ से फर्क है। अगर लेंथ चेंज कर देंगे, अगर इसकी लेंथ चेंज कर देंगे, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, और लेंथ पे डिपेंड करता है, आप समझ सकते हैं, लेंथ को डबल कर दीजिएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? रूट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, एल की जगह 2L रखना पड़ेगा, वो निकाल सकते, बड़े आसान सवाल आते हैं, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे निकल आएगा। अगर आपसे पूछे इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ म्यू, तो म्यू होता है 1/T, तो इसका उल्टा कर देना 1/2π अंडर रूट एल जी अपॉन एल, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में लगाने वाला ऑक्सीलेशन, कितने ऑक्सीलेशन 1 सेकंड में हुए, बात समझ में आ रही है ना? तो फ्रीक्वेंसी इस तरह निकाल सकते हैं। अब एक चौथा बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके लिए प्रशांत शुक्ला से पूछेंगे, प्रशांत अगर इस पेंडुलम को हिमालय की चोटी पे ले जाएं तो इसके टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा कहते हैं ये। हाँ आप, पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? बिल्कुल सही बात, क्योंकि हिमालय की चोटी पे स्मॉल जी वही स्मॉल जी नहीं होगा जो यहां पर है मैदानी इलाकों में, स्मॉल जी कम होगा या ज्यादा होगा हिमालय की चोटी पर? हाँ आप, कम होगा, हाइट बढ़ रही कम होगा। अगर स्मॉल जी कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाए। जो घड़ी यहां सही चल रही है हिमालय की चोटी पे ले जाएंगे, पेंडुलम वाली घड़ी है तो हिमालय की चोटी पे ले जाएंगे तो गलत समय बताने लगेगी। क्यों? क्योंकि जी फर्क हो गया है, एक ऑक्सीलेशन में ज्यादा समय लेगी, एक ऑक्सीलेशन करने में ज्यादा समय लेगी। अच्छा ये बताइए जो बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, अगर एक ऑक्सीलेशन करने में ज्यादा समय लगेगी तो घड़ी धीरे चलेगी कि तेज चलेगी? अगर एक ऑक्सीलेशन करने में ज्यादा समय लेगी तो धीरे चलेगी तेज चलेगी? धीरे चलेगी। बताइए, धीरे चलेगी, क्योंकि जब असल में 5 ऑक्सीलेशन हो जाएंगे यानी 5 सेकंड बढ़े होंगे तो ये कितने बढ़ाएगी समय? 3, तो ये पीछे रह जाएगी, और जो 5 रियल में हुआ है वो आगे चला जाएगा, तो ये स्लो हो जाएगी घड़ी। क्यों स्लो होगी? समझ में आई सारी बात? बिल्कुल क्लियर क्यों शिखर?
तो ये इस तरीके से अगर हिमालय की चोटी पे आप जाते हैं तो टाइम पीरियड विल बी ज्यादा, टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज, क्योंकि स्मॉल जी विल बी डिक्रीज. तो एट वेरी हाइट्स जी विल चेंज एंड सो टी विल चेंज. क्यों, कैसे, आप बात समझ गए, ठीक है ना, ये बात आपकी समझ में आई है कैसे जी टी की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है. अब एक छोटी सी बात और समझ लीजिए, एक जगह लिख के आता है सेकंड पेंडुलम, तो इसका मतलब क्या, तो जो सेकंड पेंडुलम होता है सेकेंड्स भी लिखते हैं, कई जगह सेकेंड भी लिखते हैं, सेकेंड पेंडुलम, ये घड़ियों में क्लॉक में यूज करते हैं हम लोग, तो सेकेंड पेंडुलम का कहीं लिखा हो तो इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड. सेकेंड पेंडुलम है, सेकेंड पेंडुलम हो तो इसका टाइम कितना हो, टाइम पीरियड कितना होगा, 2 सेकेंड. कैसे 2 सेकेंड रखते हैं हम लोग, देखिए ये हमारा पेंडुलम है, ठीक, एक बार ऐसे चला, यहां पर हमने क्या लगाया, घड़ी को क्लिक करने वाला खूंटा पॉइंट, इसको ऐसे करेंगे तो टिक करके आगे बढ़ जाएगी घड़ी, फिर खड़ी हो जाएगी, इधर से मारेंगे तो फिर टिक करके आगे बढ़ जाएगी, है ना, ऐसे ही तो टिक टिक कराएंगे. तो हमने क्या किया, एक पेंडुलम लिया, यहाँ खूंटा है और इसको चालू कराया ये, तो जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो कितना समय गया, 1 सेकेंड, आधा ही तो हुआ अभी ऑक्सीलेशंस, ऐसे जाके ऐसे आएगा तब पूरा होगा. तो ये देखिए 1 सेकेंड में मारा ठक, 1 सेकेंड हो गया, फिर वापस आया, फिर मारा ठक, तो 2 सेकेंड इसका टाइम पीरियड, लेकिन सेकेंड कितने चले, 2. घड़ी कितने सेकेंड बढ़ी आगे, 2. और क्या, दो बार टक्कर मारी ना इसने, एक बार इधर वाली मारी टक्कर और एक बार इधर से मारी टक्कर, तो 2 सेकेंड में 2 टक्कर मारी, तो घड़ी 1 सेकेंड में एक बार आगे बढ़ी. भाई एक टक्कर जब पड़ती है तो घड़ी टक से आगे बोलती है ना, तो ऐसे मारी टक्कर तो बढ़ गई आगे, इसका ऑक्सीलेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर ऐसे गया ये, फिर आया इसने टक्कर मारा, फिर से घड़ी आगे बढ़ गई. अब कितना समय इसने खर्चा किया, 2 सेकंड, 2 सेकंड में 2 टक्कर, तो 2 सेकंड में घड़ी 2 बार टिक टिक आगे बढ़ी, जबकि टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकंड. तो ऐसे सेकंड पेंडुलम हम लोग घड़ियां बनाने में यूज करते थे, क्यों, क्योंकि हर 1 सेकंड पे हमें कांटा आगे चलाना है, सेकंड का कांटा टिक टिक करके आगे बढ़ाना है, तो इसको 2 सेकंड रखते थे. तो कहीं भी सेकंड पेंडुलम आए तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप 2 सेकंड लगा सकते हैं. अब इससे आप ये भी निकाल सकते हैं कि जो सेकंड पेंडुलम होता है इसका लेंथ कितनी होगी. तो आपने फॉर्मूला पढ़ा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये इधर से पढ़ा, टाइम पीरियड मालूम 2 सेकंड, 3.14 अंडर रूट, लेंथ निकालनी है, जी होता है 9.8, इससे लेंथ निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर आती है लेंथ. सब पता था या नहीं पता था, तो अगर हमको सेकेंड पेंडुलम बनाना है तो हमको पेंडुलम का लेंथ कितना रखना पड़ेगा, 1 मीटर करीबन इतना बड़ा. बाकी इससे कम करना चाहते हैं तो एडजस्टमेंट करके आप टाइम सेट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ. लेंथ कम करेंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, जानते हैं लेंथ कम हो रही, टाइम पीरियड कम हो रहा है, तो वो एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर आपसे बोले कि सेकेंड पेंडुलम के लिए लेंथ कितनी चाहिए, कितनी चाहिए थी ना, 1 मीटर, कैसे निकाला, समझ में आया, ठीक. तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, जो बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं अगले 2 मिनट में फटाफट क्विक रिवीजन मार लेते हैं. आज हम लोगों ने ये चीज पढ़ी, एनर्जी ने SHM पढ़ा, शुरुआत वहां से किया था जहां पे देखा काइनेटिक एनर्जी अंडर SHM कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी अंडर SHM कितनी होती है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट एक वैल्यू आ रही थी हाफ के ए स्क्वायर, के होता है एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ठीक. एनर्जी के फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट, और ये एम्पलीट्यूड अगर कोई रखा है तो बाकी चीज बदलती नहीं, उसकी एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है उस एम्पलीट्यूड के लिए, उसमें काइनेटिक पोटेंशियल आपस में अदला बदली करती रहती है, ठीक है. इक्वेशन जो मैंने लिए थे आपको दिखाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एक्स फॉर्म में लिया है, एक्स इज इक्वल टू ए
कॉस ओमेगा टी पकड़ा है, प्लस फाइव करना हो कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, नहीं किया तो भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि फेज को ही बता रहा है शुरुआत कहां से। तो एनर्जी की बात की, फिर हम लोगों ने ये देखा कि हमारे कोर्स के हिसाब से जो बॉडी अंडर एसएचएम कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं, पेंडुलम और स्प्रिंग, इन दोनों को स्टडी करना था हमको। तो स्प्रिंग के केस में हमने स्टडी किया, दिखाया, शो किया कि ये देखिए एसएचएम है, क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, और फोर्स हमेशा डायरेक्टेड है मीन पोजिशन के, और इसका टाइम पीरियड निकाला टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट m अपॉन k, ये आया आपका स्प्रिंग के लिए टाइम पीरियड। पेंडुलम के लिए इसी तरह निकाला टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट l/g। तो ये, और पेंडुलम में कुछ खास बातें भी देखी हमने, आप ध्यान रखिएगा पेंडुलम में टाइम पीरियड फाइंड करने को प्रूविंग इंपॉर्टेंस बहुत रखती है, काफी एग्जाम में पूछी जाती। तो आपसे कहते हैं कि अभी जो पेंडुलम बनाया था ये पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालिए, तो निकालने का तरीका जो प्रूफ किया था किया है वही आपको लिखना रहेगा, दो चार स्टेटमेंट बढ़ा दीजिएगा जिससे थोड़ा सा उसका सौंदर्यीकरण हो जाए, मतलब बात पूरी समझ में आ जाए, मुद्दा यही है जो हम लोगों ने किया। बात समझ में आ रही है ना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये पेंडुलम का आप टाइम पीरियड इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये प्रूविंग भी आएगी। बाकी घुमा फिरा के सवाल इसमें बनते हैं, ये कुछ सवाल ऐसे बताए, कुछ सवाल और भी बनते हैं, जैसे वो कहते हैं कि लेंथ थी, अब लेंथ हमने पहले से डबल कर दी, एक हमने लिया वर्षा, क्या लिया, एक पेंडुलम लिया, उसकी लेंथ को हमने क्या किया, डबल कर दिया, टाइम पीरियड हमने डबल नहीं किया, हमने क्या किया वर्णिता, हमने चार गुना कर दी लेंथ, टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा? एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ एल है, उसी एल लेंथ को 4L कर दिया, टाइम पीरियड का क्या होगा, डबल हो जाएगा। वेरी गुड, आप 4L डालेंगे ना तो √4 2 डबल हो जाए, कौन सी बड़ी बात, बड़े बेसिक क्वेश्चन। आपको सिंपल ना दिया जाए, L1 L2 दिया जाए तो L1 L2 रख के डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा जो आना है। समझ रहे हैं ना, वो छोटे मोटे सवाल आएंगे और वो आएंगे कि तो थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो हो जाएंगे आपसे। अगर बोले डबल कर रहे हैं लेंथ तो आप बोलेंगे √2 times बढ़ जाएगा, और उन्होंने किया साहब हमने लेंथ चार गुना कर दी और हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां जी क्या होता है, हाफ होता है, बहुत चोटी पे चले गए बहुत ऊपर, तो वो जी की जगह g/2 ले लेना, लेंथ की जगह कितना था 4L ले लेना, तो g/2 और 4L 8 बन गया, तो 2√2 times बढ़ जाएगा टाइम पीरियड। यही सब घुमा फिरा क्या आएगा और क्या आएगा, बात क्लियर हो रही है ना? तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।